हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल स्टूडेंट यू नो अबाउट द फ्लावर इज द टू टाइप, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स द फ्लावर हैविंग आइदर मेल और फीमेल, दैट इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंड द फ्लावर हैविंग लाइक टू बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इज नोन एज द बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर लाइक वाटर मेलन्स and papaya is a good example of the unisexual flower. And a bisexual flower like hibiscus rosa sinensis means gudhal, or rose, kamal, these are the bisexual flower because it contain male and female part, that is known as the bisexual flower. Now represent the bisexual flower means like male and a female. This is the bisexual flower, either male or female, that is known as the unisexual flower. Now see the topical structure of the flower. This is the structure of the flower, and this is the stigma and anther, and this is the petal, and green part leaf like structure is known as the sepal, and this is the ovary, and this is the pedicel. Okay, these are the labeling of the structure of the flowering plants. Now student, you know about the flower containing like male anther means male parts, and ovary the female parts, female and male. That's why this flower is the bisexual flower. Understand? Now see the structure of the anther. Means anther and connective and filament is known as the stamen. And now see the stigma style, and ovary is also known as the pistil. These are female reproductive parts, and these are the male reproductive parts. Understand? Now see the a topical flower consist of four holes like sepal, petal, anther and ovary. This is the four holes. Sepal ki unit hogi calyx, and petals ki unit hogi corolla, and ovary इसकी यूनिट होगी गाइनोसियम। एंड एंथर की यूनिट होती है एंड्रोसियम। क्लियर? दीज आर द फोर होल्स। द फोर होल्स होल्स कंप्लीट इन द फ्लावर इन ऑर्डर यू नो दैट इज नोन एज द कंप्लीट फ्लावर। इट मीन्स दैट इट हैज द फोर होल्स, four parts like sepal, petal, anther and ovary. These are the four parts that is known as a complete flower. And incomplete flower ka matlab jisme sepal aur petal aur anther androecium mein se koi bhi parts agar usme nahi rehta hai use hum incomplete flower kehte hain. Understand?
अगर हम एक एंथर की बात करें तो एंथर में, सॉरी ये जो स्टेमर की बात करें, स्टेमर में तीन पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट से मिला करके स्टेमर बनता है। एंड उसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को लेकर के पिस्टिलम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ सी द वन पार्ट्स फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेपल्स? सेपल इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज द प्रोटेक्ट बर्ड, यह बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द काइलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। अंडरस्टैंड? इट इज फाउंड इन द ग्रीन इन कलर लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ सी इस तरह का ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द सेपल। एंड आर यू नो अबाउट द सेपल, देयर फंक्शन प्रोटेक्ट द फ्लावरिंग बर्ड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, कोरोला। कोरोला इज द करल पार्ट्स, मीन्स पेटल इज द करल पार्ट, एंड दैट पार्ट इज द अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? ऑल यू नो अबाउट द पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। क्लियर है? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड वन होल ऑफ द फ्लावर इट इज फॉर्म द स्टेमन। एंड्रोसियम हैव द सेवरल स्टेम, इट कंटेन पोलन ग्रेन। व्हेन यू कट द स्टेमन, नाउ सी द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज पोलन सेक। पोलन सेक, और इसमें से क्या रिलीज होता है? पोलन ग्रेन। एंड इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अंडरस्टैंड? और गाइनोसियम है, गाइनोसियम को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इट इज द गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इट इज फॉर्म बाय द वन आर मोर कार्पल। कार्पल लाई इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, इट इज अ फ्लैग शेप स्ट्रक्चर, एंड द कार्पल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स लाइक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अंडरस्टैंड? नाउ सी द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर कार्पेल, इट रिसीव द पोलन ग्रेन। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, स्टाइल इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल विच कनेक्ट द स्टिग्मा विद द ओवरी, एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पेल्स, इट हैज सेवरल ओब्यूल्स। अंडरस्टैंड? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, नाउ सी द ओवरी कन्वर्ट इन टू द फ्रूट्स, एंड द सीड कन्वर्ट इन टू द ओब्यूल्स, कन्वर्ट इन टू द सीड। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन।